नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अजय पुलिस कांस्टेबल ने जो नई रिक्रूटमेंट निकाली है उसके बारे में। तो इन्होंने इस रिक्रूटमेंट में 92 पोस्ट निकाली गई हैं जो कि टेक्निकल के संबंधित हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो रिक्रूटमेंट है इसकी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है वो कब तक है और कैसे अप्लाई कर सकेंगे और कौन सी वेबसाइट से हम अप्लाई करेंगे और इसमें कितने जो इन्होंने चार्जेस रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, वो उसके पूरी जानकारी हम इस अपडेट में देंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो हर नोटिफिकेशन की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमने जो PDF हमारे पास आई है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है और जेन्युइन है ये। तो जो ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की थी वो 21/8/2019 को जारी की थी। तो इसमें इन्होंने जो बताया है, जो ये नोटिस रिक्रूटमेंट निकाला था इन्होंने, तो इसमें इन्होंने 92 पद निकाले गए हैं इसमें जो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए हैं। तो इसमें जो ये पुलिस डिपार्टमेंट की है तो इसमें इन्होंने जो पे स्केल है वो भी बताया है इन्होंने और प्लस ग्रेड पे, और जो इसमें इन्होंने लिखा है कि जो 120 रुपये लगेंगे, जो कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ HV ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो वैलिड रजिस्ट्रेशन है उनके 120 रुपये ले लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने किस हिसाब से डिवाइड किए पोस्टें। तो सबसे पहले जो इन्होंने कैटेगरी के बारे में बताया है और दूसरे नंबर पे इन्होंने ब्रेकअप ऑफ पोस्ट एज पर वर्टिकल रिजर्वेशन, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट एज पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें इन्होंने डिवाइड किए हैं आगे एक्स सर्विसमैन, अंत्योदय IRDP, स्पोर्ट्समैन, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड 15% और अदर्स। तो इसमें जनरल के लिए जो इन्होंने पोस्टें रखी हैं, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट एज पर वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें 43 पोस्टें हैं, जो एक्स सर्विसमैन के लिए 8 हैं, अंत्योदय IRDP के लिए कोई पोस्ट नहीं है, स्पोर्ट्समैन के लिए 2 हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, होमगार्ड 15% के लिए 6 हैं, अदर्स के लिए 26 पोस्टें हैं। और SC के लिए इन्होंने जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें इन्होंने 20 पोस्टें निकाली हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें हैं, अंत्योदय IRDP के लिए 2 हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है SC में, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, होमगार्ड के लिए 3 हैं, अदर के लिए 12 हैं। ST के लिए इन्होंने जो वर्टिकल रिजर्वेशन में 4 रखी हैं, एक्स सर्विसमैन में 1 है, IRDP के लिए 1 है, स्पोर्ट्समैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है, फ्रीडम फाइटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, होमगार्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अदर्स के लिए 2 हैं। OBC के लिए इन्होंने जो पोस्टें निकाली हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में वो 16 पोस्टें हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें हैं, IRDP के लिए 2 पोस्टें हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली है, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम के लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली है, होमगार्ड के लिए 2 पोस्टें निकाली हैं, और अदर्स के लिए 10 पोस्टें हैं। EWS के लिए इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन में 9 पोस्टें हैं, और एक्स सर्विसमैन, IRDP, स्पोर्ट्स और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, होमगार्ड्स के लिए 1 पोस्ट है और अदर्स के लिए 8 पोस्टें हैं। तो जो टोटल जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए वो 92 पोस्टें हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 13 हैं, IRDP के लिए 15 हैं, 5, स्पोर्ट्समैन के लिए 2 हैं, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 हैं, होमगार्ड 15% के लिए 12 हैं और अदर्स के लिए 53 हैं। तो आगे इन्होंने नोट्स 1 और नोट्स 2 हैं, इन्होंने आगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया है। यहाँ पे जो हमारी आवेदन करने की जो डेट है वो इन्होंने यहाँ पे बताई है 30 सितंबर 2019 से पहले पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें मैं एक बात बताना भूल गया आपको, जिसमें क्वालिफिकेशन लिखी है वो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए है। तो जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है टेक्निकल
में कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल और आईटी में जो डिप्लोमा की है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसके लिए जो इन्होंने फीस रखी है वो 140 रखी है इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए, और 35 रखी है इन्होंने ओनली फॉर बिलोंग टू कैटेगरी SC ST एंड OBC BPL EWS के लिए इन्होंने। और आगे चलते हैं, आगे इन्होंने जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का बताया गया है यहाँ पे, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट, जो तो इसमें 70 नंबर का जो होगा रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट 10 मार्क्स का होगा। टोटल ये 100 मार्क्स का जो होगा रिक्रूटमेंट का, जो 100 मार्क्स में से जितने जो मेरिट में आएंगे उस हिसाब से ये रिक्रूटेड करेंगे। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने नीचे बता रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसीजर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन 10th विद इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। और आगे इन्होंने फिजिकल एंड अदर स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें इन्होंने फिजिकल में जनरल के लिए जो इन्होंने एज रखी है 20 से 25 साल, और हाइट मेल्स के लिए रखी है 5 फुट 6 इंच, फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच, और चेस्ट इन्होंने रखी है 31x32 इंच, और ST के लिए 20 से 27, और एज और जो मेल के लिए हाइट चाहिए वो 5'4" है और फीमेल के लिए 5 फुट है, और 29x30 इंच जो है चेस्ट है। जो OBC के लिए 20x27 5'6" हाइट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5'2" हाइट है 31x32। EWS के लिए 20x25 ईयर्स है, और हाइट जो है इसमें 5'6" है और 5'2" जो है फीमेल के लिए है, और चेस्ट इनकी सेम ही है। होम गार्ड के लिए 20 से 28 साल उम्र होनी चाहिए, और जो हाइट होनी चाहिए वो मेल के लिए 5'6" है, फीमेल के लिए 5'2" है। होम गार्ड के लिए भी सेम ही है, होम गार्ड जनरल OBC और ST के लिए, बस हाइट में इन्होंने किया है थोड़ी वेरिएशन, 5'4" करी है और 5 फीमेल के लिए करी है, और चेस्ट में 29x30 इंच। होम गार्ड गोरखाज के लिए 20 और 28 साल उम्र होनी चाहिए, और 5 फुट 4 इंच जो है इनकी हाइट मेल की होनी चाहिए और फीमेल की 5 फुट, और 29x30 जो है इनका इंच चेस्ट होनी चाहिए। एक्स सर्विस मैन जनरल के लिए अप टू 45 ईयर्स, और 5 फुट 6 इंच जो है इनकी मेल के लिए, और फीमेल के लिए इन्होंने रिक बताई है, और ये मैन है ना तो इसमें फीमेल नहीं होगा, सॉरी, 31x32। और एक्स सर्विस मैन जो ST के लिए हैं उनके लिए 5'4" है हाइट, और चेस्ट 29x30 इंच। तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट इन्होंने नीचे बताया है, कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट विल 1 सितंबर 2019 कट ऑफ डेट बताई है। और नीचे इन्होंने फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया है, जो राउंड होगा फिजिकल टेस्ट, इसमें इन्होंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी भर्ती हो, चाहे आर्मी की हो चाहे पुलिस की हो, फिजिकल टेस्ट बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो जो इसमें सबसे पहले जो इवेंट है वो 100 मीटर रेस है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मेल के लिए 17 सेकेंड होना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फीमेल के लिए 20 सेकेंड होना चाहिए, और मार्क्स इसके 5 हैं, 5 मार्क्स इन्होंने बताए हैं। और जो 800 मीटर है इसमें, और 400 मीटर फीमेल्स के लिए, 800 मीटर मेल्स के लिए, 3:10 मिनट जो होने चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2:45 मिनट्स है, और कोई एडिशनल आपको अटेम्प्टेशन नहीं मिलेगी। और जो हाई जंप है वो 1.5 रखा है मीटर में, और 65 सेंटीमीटर जो फीमेल के लिए रखा है, इसमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगे जैसे आपको HA पुलिस कॉन्स्टेबल में मिलता था वैसे ही है, बस इसमें थोड़ी सी इन्होंने टाइमिंग बताई है, 100 मीटर 800 मीटर, जो ब्रॉड जंप है 3.5 मीटर का है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 1.75 मीटर का है। और जो शॉर्ट पुट इसमें एक और ऐड किया है इन्होंने, शॉर्ट पुट होगी वो 7.275 किलोग्राम्स की मेल के लिए, और 4 किलोग्राम की फीमेल के लिए, 4 मैक्सिमम जो है 4 मीटर है मेल्स के लिए, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, और
3 मीटर मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट मिलेगी गर्ल्स के लिए। इनके जो जो ये इन्होंने मैंने बताया ना आपको कि 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, हाई जंप, ब्रॉड जंप, शॉर्ट पुट, इनके 5-5 नंबर हैं। तो इसमें भी एच ई पुलिस की तरह नहीं है कि हाइट के नंबर लगे जाते हैं, इसमें इसके इस चीज़ के नंबर लगेंगे। और आगे इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बताया है, फिर पर्सनैलिटी के बारे में बताया है, और इन्होंने जो सिलेबस बताया है रिटर्न एग्ज़ाम का 70 मार्क्स का होगा। इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है फाइटन विद कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स की होगी, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर 3 ईयर डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम बाय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम 40 मार्क्स होगा उसका। जो हिमाचल की जो इसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ये 10-10 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस में आएगा आपका करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश का, जीके आ जाएगा, और जो आपकी जिसमें आपने कोर जो आपकी ब्रांच होगी जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस के जो 10 मार्क्स का नंबर आएंगे। पर्सनैलिटी में आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, और उसके बाद मेडिकल होगा, फिर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसेंडेंट्स, और जो आपको इन्होंने बताया है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेंगे वो वेबसाइट में मिल जाएंगे एच वी पुलिस की, www.hvpolice.gov.in में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिमाचल।